तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले फ़ोन नंबर के बारे में। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है नंबर को लेके कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर गूगल में शो नहीं हो रहा। तो मैं आपको यहाँ पे रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंटली मैंने एक नंबर ठीक कराया है और यहाँ पे नंबर आप देख सकते हैं यस्टरडे के दिन में यानी कल के दिन में नंबर आया है। तो काफ़ी लोग परेशान है, सर हमारा नंबर अपडेट नहीं हो रहा तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मार्केट में कोई आपको बोलेगा कि सर 3 दिन में नंबर आएगा, कोई बंदा बोलेगा सर 10 दिन में नंबर आएगा, कोई 15 दिन बोलेगा, कोई 20 बोलेगा। तो यहाँ पे नंबर को अपडेट करने के तरीके सिर्फ दो हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, नंबर सिर्फ दो तरीके से अपडेट होगा। इसके अलावा कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, कितना परेशान हो जाइए, नंबर नहीं आएगा। आप देखते हैं रिसेंटली ये नंबर जो अपडेट हुआ है, इसके अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में देखते हैं यहाँ पे रिसेंटली कॉल का ऑप्शन भी दिखाई देगा, आप देख सकते हैं कॉल का ऑप्शन दिखाई दे चुका है, कॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो ऐसा नहीं है ये नहीं है, 100% आता है। और यहाँ पे जब हम इसको बैक करेंगे तो ये आया कैसे है, एक तरीका ये है कि अगर आपके पास एक वेबसाइट बनी हुई है तो जब आप नंबर को एंटर करते हैं तो नंबर पेंडिंग में जाता है, नॉट अप्रूव जाता है। अगर पेंडिंग में जाएगा इसका मतलब गूगल कहीं ना कहीं से आपका नंबर ढूंढ रहा है, यानी किसी वेबसाइट पर देख रहा है, किसी जगह पर देख रहा है। तो वो कभी 5 दिन दिखाएगा, कभी 30 दिन दिखाएगा, कभी 3 दिन दिखाएगा, कभी वो नॉट अप्रूव होगा, कभी 10 दिन दिखाएगा, कभी 10 मिनट दिखाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं सर ये इस तरह से शो होता है फिर नॉट अप्रूव हो जाता है, तो ये आ नहीं रहा है। तो काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि न्यू नंबर बना लेते हैं, न्यू नंबर ले लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, ऐसा करेंगे ना तो आपका नंबर नहीं आ पाएगा। नंबर को अपडेट करने के तरीके जो है वो दो हैं, एक तो ऑटोमेटिक है, दूसरा मैनुअल है। ऑटोमेटिक में तो वेबसाइट से आएगा अगर आपकी वेबसाइट होगी, अगर वेबसाइट नहीं होगी तो यहाँ पे क्या है गूगल से बात करके नंबर को ठीक करवाएंगे। अब गूगल से बात करेंगे तो गूगल प्रूफ मांगेगा, जैसे इस पर्टिकुलर बिजनेस का उसने प्रूफ मांगा था, तो हमने खुद से विजिटिंग कार्ड वगैरह इनको दिए थे, क्योंकि अगर कस्टमर के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम लोग खुद से अरेंज करते हैं, वो सबमिट करते हैं, तो तब जाके गूगल आपका नंबर अपडेट करता है। तो अगर आपको नंबर अपडेट करवाना है तो मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों।